ready to ride. वेलकम बैक गाइस, मेरे एक और नए ब्लॉग में और स्वागत करता हूँ। गोवा में ही हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो जो हैं वो आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपको गोवा, नॉर्थ गोवा में लेकर आया हूँ, वेगेटर जगह में, और इस बीच का नाम वेगेटर बीच ही होगा। ये कोई ज़्यादा बड़ा बीच नहीं है, जिनको शायद आपने सोशल मीडिया पर सर्च किया होगा या आपने शायद गूगल पर सर्च किया होगा, बट हाँ, क्योंकि ये हमारे अपार्टमेंट के नज़दीक था तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग यहाँ का बनाया जाए और ये कैसा यहाँ का नज़ारा है और कैसे क्या क्या यहाँ पर है तो वो सब देखेंगे। तो मैं ज़्यादा ना बोलूँगा लेकिन आपको दिखाऊँगा लोकेशन। तो मेरे हिसाब से तो ये बीच जो है ये वेगेटर बीच है, लेकिन फिर भी ऐसा करेंगे कि हम थोड़ा किसी को पूछेंगे। तो ये यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि ये देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये सारी पार्किंग वगैरह मिल जाएगी। पार्किंग थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल है क्योंकि शाम के समय यहाँ पर ज़्यादा जो है वो रश होता है। सो दिस इज़ दी जस्ट एंट्रेंस, और वैसा पार्किंग आप देख सकते हो। स्कूटर्स आप डेफिनेटली आराम से हायर कर लोगे। जो लोग गोवा आए हुए हैं वो तो जानते हैं कि आपको यहाँ पर आसानी से स्कूटर्स वगैरह मिल जाएंगे 400 500 300 में, डिपेंड करता है कि स्कूटर की कंडीशन कैसी है, और आसानी से आप घूम सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मोस्टली टैक्सी के अलावा, ऑटो के अलावा तो काफ़ी कम मिलेंगे आपको, अगर मिलेंगे भी तो वो एक स्पेसिफिक रूट के लिए होंगे। सो बेस्ट ऑप्शन हायरिंग दी यू नो स्कूटर्स। पूरा दिन आपको 400 500 300 में मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा प्राइस डिफर करते हैं स्कूटर्स के जो सिचुएशन होती हैं उसके हिसाब से। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। मैंने थोड़ी बहुत किसी से जानकारी ली थी कि यहाँ पर बीच में अक्सर क्या होता है कि आपको कुछ कुछ फासले में आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर किसी ने बताया कि सिर्फ एक ही है। और मे बी इसका ये रीज़न हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ ना नहीं होती होगी, या मतलब इतने ज़्यादा लोग नहीं होते होंगे, बट यू जस्ट गॉट वन रेस्टोरेंट हियर। ऑलराइट, तो अभी भी मैं फ़िलहाल इसके एंट्रेंस पे हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी, सबसे बेस्ट चीज़ जो है यहाँ पर वो नारियल पानी एंट्रेंस में जो आपको मिल जाएगा। तो आई वुड लाइक टू सी दैट हाउ ही कट्स। क्या प्राइस है भैया नारियल पानी का? 60 रुपये। तो मैं जिस रेस्टोरेंट की बात कर रहा था मित्रों, वो ये है, ये सामने वाला आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको हर प्रकार के खाने पीने की चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो ये नज़ारा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको इंडियंस हमारे भाई और बाहर के जो लोग वो सब मिल जाएंगे। तो यहाँ से पहले मैं आपको दिखाता हूँ जी नज़ारा, उसके बाद फिर हम थोड़ा और नज़दीक जाएंगे बीच के, और शाम का समय है, समय सनसेट भी हम देख सकेंगे आराम से। और एट गाइस, सो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। और यहाँ पर ये मैंने पहला बीच देखा गोवा में, हो सकता है इसके अलावा और भी कोई बीच हो। यहाँ पर ये जो पत्थर देख रहे हो आप, रॉक्स हैं यहाँ पे, और हम इस बीच का नाम भी किसी से पूछेंगे। और दीदी, इस बीच का नाम क्या है? बगटोर। या दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, और बगटोर जगह का जो यहाँ की जगह है उसका नाम भी वेगेटर है और बीच भी वेगेटर ही है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और पूरा नज़ारा जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो वहाँ का जो बिल्कुल कोने वाला जो एरिया है वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, और फिर वहाँ से आते हुए हम पूरा नज़ारा देखेंगे। बट फिलहाल आप देख सकते हो ये इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पे, और ये ज़्यादा कोई लंबा बीच नहीं है। सो चलते हैं वहाँ पे, एंड देन वहाँ से स्टार्टिंग से शुरू करते हुए पूरा बीच आपको दिखाएंगे। मुन्नी बदनाम नहीं हुई? मुन्नी बदनाम हो गई अभी तक। ओके, आई एम कमिंग बैक एंड देन। ओके ब्रो, श्योर श्योर। सो दोस्तों, मैं यहाँ से आपको ये नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर यार ये रॉक बहुत है, और बिल्कुल
समुद्र के किनारे पर होंगे और वहाँ पर आप सामने पहाड़ पर देख रहे होंगे वहाँ पर कुछ लोग जो है वो रॉक पे हैं, बट आई वोंट गो देयर, लेकिन क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा। और ये कुछ लोग जो हैं वो तो मैं राग पर आ जाता हूँ भाई। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना थोड़ा सा अपने ये जो पैंट है इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट प्लानिंग फॉर स्विमिंग, तो उसको ऊपर करता हूँ। तो दोस्तों देखो जी, ये नज़ारा है यहाँ का और मेरे पीछे का, एंड फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा बड़ा बीच नहीं है, बट आने वाले ब्लॉग जो मेरे होंगे वो हम ज़रूर बड़े बीच पे जाएंगे। बड़े बीच इन द सेंस कि जिधर रेस्टोरेंट्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोगों की भीड़ आपको दिखेगी, हालांकि लोगों की भीड़ यहाँ पर भी अच्छी खासी है, लेकिन वो थोड़े से फेमस जिनके आपने नाम सुने होंगे, जैसे बागा बीच है, अर्जुना बीच है, कलंगट बीच है, और भी बहुत सारे बीच हैं। और आप जानते हो कि मैं नॉर्थ गोवा में हूँ सर। जो मेरा पिछला ब्लॉग, पिछले साल का जो ब्लॉग था वो उस समय हम साउथ गोवा में थे, नॉर्थ गोवा का सिर्फ एक ही हमने वीडियो बनाया था, बट दिस टाइम गोवा 2.0 जो है वो मोस्टली नॉर्थ गोवा से होगा। तो ओके, आगे बढ़ते हैं जी। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले जाना चाहूँगा बीचों बीच। तो ये कुछ इस किस्म की रॉक्स वगैरह यहाँ पर, और यहाँ से हालांकि जहाँ मैंने शुरू किया थोड़ी भीड़ जो है वो हल्की सी है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते चला जाऊँगा तो वहाँ पर भीड़ जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ती चली जाएगी। तो रॉक, तो ये जो होते हैं जी लाइफ सेवर, ये हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर होते हैं, वो इसलिए ताकि अगर कोई खतरे की घंटी हो या मतलब किसी प्रकार का कोई आप खतरे के निशान से बाहर जा रहे हैं तो ही इज़ देयर ऑलवेज टू यू नो वॉर्न यू। और क्या क्या यहाँ पर सर्विसेज होती है वो भी देखेंगे, क्योंकि बीच पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ बेचते भी हैं कुछ कस्टमर्स को, आई मीन जैसे कुछ शायद कुछ सर्विस देते होंगे, दैट वी विल ऑल्सो फाइंड आउट। कुछ लोग नहा भी रहे जी यहाँ पर, बढ़ते हैं आगे। और ये थोड़ा सा मैं आपको समुद्र का किनारा जो है वो दिखा रहा हूँ, मतलब जहाँ पर ये लोग जो हैं नहा रहे हैं, एंड देन आई विल ऑल्सो टेक यू टू द लोकेशन जहाँ पर लोग थोड़ा बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं नहाने के बाद, जाने के बाद दे एंजॉय देयर ड्रिंक्स लाइक बियर, जूस, नारियल पानी एक्सेट्रा। तो ये थोड़ा सा जाके नज़दीक आपको दिखाना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो ये जो आदमी था ये बोटिंग वाला था, फिर भैया तो पूछते कि बोटिंग क्या, वैसे इसका चार्जेस क्या है बोटिंग करने का? जेटसी का 450 है सिंगल पर्सन। हाँ, सिंगल पर्सन। तो कितना दूर तक लेके जाएगा? एक राउंड देगा। एक राउंड मार्कर है ना, उसको मार्कर बनाएगा, एक राउंड देगा। मतलब कि मार्कर यानी के कितना, यहाँ कितना एक किलोमीटर होगा? नहीं, एक किलोमीटर से कम। अच्छा अच्छा अच्छा, बम्पर बनाना, जेटसी तीनों आपका राउंड लगा देते हैं, पैरासिलिंग 900 लेगा, फिर वो वहाँ से लेगा पर पर्सन। अगर मान लो कि अगर हम एज ए टीम होगा तो उसमें कुछ कंसेशन होगा, जैसे 4-5 लोग? अच्छा, पैकेज से अच्छा उधर ही से होगा, 18। चलो थैंक यू ब्रदर, आपका शुभ नाम? राजेश। थैंक यू राजेश। ऑलराइट, तो मैं कुछ इनसे जानकारी लेना चाहता था, और वो इसलिए भी ताकि वो आपकी भी सहायता कर सके, तो क्या प्राइस है क्या नहीं, ये मैं कोशिश करता रहता हूँ कि हमेशा पूछता रहूँ। तो इस प्रकार की बोर्ड से यहाँ पर है, तो आई विल गो लिटिल क्लोज टू शो यू। यहाँ पर आप इसमें आपको बोटिंग करने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, समुद्र की लहरें। और अच्छा हुआ यार मैंने पैंट थोड़ी सी ऊपर अब जो है वो फोल्ड कर ली है, ताकि कोई समस्या ना हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा मेरा स्विम करने का प्लान कोई नहीं, तो यहाँ पर आपको बैठा के समुद्र के कुछ हिस्से तक आपको लेके जाएंगे, ताकि आप समुद्र में जाकर कुछ नज़ारा कुछ मज़े कर सकें। आगे बढ़ते हैं जी। छोटे छोटे बच्चों को भी एंजॉय करते हो आप, देख सकते हैं। और
कुछ गेम्स वगैरह भी यहाँ पर खेल रहे हैं जी कुछ लोग। सामने वो कुछ दिख रहा है, कुछ फूलों का कुछ दीवार सी, उधर भी चलते हैं और देखते हैं क्या सिस्टम है। और यहाँ पर कुछ अपने डॉगी के साथ भी लोग हैं तो डॉगी को भी घुमाने आते हैं जी लोग यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये भी है, ये एक ऐसा बीच मैंने देखा जो थोड़ा सा पहाड़ जैसा, पहाड़ छोटा सा पहाड़ भी नहीं बोल सकते इसको, मतलब टीला था ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मुझे लगता है बस यहीं से मैं वापस हो जाता, क्योंकि कुछ ऐसा यहाँ पर आगे कुछ ऐसा है नहीं। वैसे फिर भी वहाँ पर कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ स्विमिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं। तो ये कुछ नज़ारा है जी इस बीच का, वेगेटर बीच के पास, इसको आपको बता देता हूँ। तो गाइस, मैं ऐसा करता हूँ कि वो जो पीछे मेरे फोन वाला कुछ दीवार सी है वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर कुछ लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं और देखते हैं बाकी थोड़ा सा ब्यूटी देख के जी चलते हैं वहाँ पे। तो ये कुछ था, मैं आपको दिखाना चाहता था। पहले मैंने सोचा कि शायद ये फूलों से सजाया हुआ होगा, बट ये फूल नहीं है, आई थिंक ये कुछ प्लास्टिक है या तो कागज़ होगा। या प्लास्टिक है, दूर से ऐसा लगा जैसे, क्योंकि कलरफुल है ना। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो वगैरह कुछ ले सकते हो, एक यहाँ पर है और एक इस तरफ। सो इसमें क्या है कि आप अपना यहाँ पर आकर फोटोज़ वगैरह सब क्लिक कर सकते हैं और व्हाटएवर। ऑलराइट, तो गाइस ये है वो दीवार सी बनाई हुई लोगों के एन्जॉयमेंट के लिए। बढ़ते हैं जी थोड़ा सा और आगे और देखता हूँ अगर कुछ है ऐसा। ऑलराइट, तो एक सेक्शन और रह गया मेरे को, और वो है जिधर लोग बैठते हैं, मतलब जो बेंचेस होते हैं जो उनको बैठने के लिए, जैसे आप समुद्र में नहा कर आए फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट के लिए बेंचेस जो मिलते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग हैं तो वो भी आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा कुछ और भी सवारी वाला सामान जो है सब दिखाता हूँ, बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइस, मैं आपको इस प्रकार के कुछ ये वाहन यहाँ पर हैं, कुछ गाड़ियाँ हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता था। और यहाँ पर भी कुछ लोग जो है पसंद करते हैं इसकी, इस पर राइड लेना। तो यहाँ पर कुछ हमारे मित्र खड़े भी हैं, उनको पूछते हैं कि क्या इसका प्राइस सिस्टम है और क्या है इसका। नमस्कार, ये सर क्या इसका मतलब क्या है इसका, एक आदमी कितना इसका चार्जिंग 450 कितना, मतलब राउंड एक राउंड लेते हैं, हमारा मार्किंग है गवर्नमेंट का, वहाँ तक एक राउंड एक राउंड एक 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 तो जो चलाने वाला भैया इसके पास है इसका थोड़ा अच्छा बताइए ना भैया उसको बोल दो। नहीं नहीं बता दिया हमें। चलो भैया, हमारा एक राउंड रहता है नॉर्मल का। हाँ एक राउंड रहता है, हमारा बंदा पीछे रहेगा, आप आगे रहेगा। अच्छा 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 450 बोला आपने, ठीक है। चलो थैंक यू भैया। शुभ नाम सर आपका? पिंटू। थैंक यू पिंटू, यहीं से आप शुभ नाम बता दीजिए, बात नहीं करेगा तो। आनंद। आनंद, थैंक यू आनंद, हमेशा आनंदित रहो। और भैया आपका नाम? राजकुमार। थैंक यू राजकुमार भाई साहब। ऑलराइट, तो मैं कुछ ठीक है छोड़ दूंगा। ऑलराइट, तो अच्छा ऑलराइट, सो यू विल फाइंड सम जॉली गाइस। तो खैर, मैं इनको ये पूछा तो इस किस्म के जो वाहन है ये आपको यहाँ पर मिलेंगे, ताकि आप कुछ सवारी अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो द रेट्स, जो भी इनका चार्जेस हैं। और उसके अलावा ये कुछ ऐसे, ये कुछ बड़े हैं, मतलब ये तो वही कश्ती है जो मैंने आपको पहले दिखाई। और ऑलराइट गाइस, सो अब मैं थोड़ा सा आपको जो है भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है ना उस तरफ लेके चलता हूँ, ताकि थोड़ा सा वहाँ का भी नज़ारा लिया जाए और देखा जाए कि वहाँ की रौनक
लोगों के बीच में थोड़ा घुसना मुश्किल होता है क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि वो वीडियो में ना आए उनका कोई, बट फिर भी अगर कोई मना करेगा तो उसका हम जो क्लिप है वो कट कर देंगे। बट मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करता हूँ अपने ब्लॉग में कि जो खुशियाँ लोग बनाते हैं, जो एंजॉयमेंट करते हैं, वो आपको दिखाया जाए। तो चलो बनी रही, अब मैं उस सेक्शन में जा रहा हूँ जहाँ पर भीड़ भड़ाका का काफ़ी। ऑलराइट गाइस, सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ लोगों ने यहाँ पर क्लिप बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो खड़े हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ जो मैं बैठने की व्यवस्था जो यहाँ पर होती है, जो बेंचेस होते हैं, जो चेयर्स होती हैं, वो भी मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको वो दिखाऊं। तो शुरुआत में आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं एंड दे आर एंजॉइंग। और उसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ बेंचेस वगैरह होते हैं यहाँ पर जिधर आप रेस्ट कर सकते हो, जब आप नहाने के लिए जाते हो, जिधर आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो वो सब चीज़ें। एंड देन यू कैन यू नो आप ये और इन्हेंस कर सकते हो अपने एन्जॉयमेंट को। सो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो यू के इस तरफ आपको बहुत सारा भीड़ भड़ाका वाला जो है एरिया मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और जिन बेंचेस की मैं बात कर रहा था वो ये सामने जो आप देख सकते हो, ये वो एरिया है जो आपको मतलब बैठने के लिए बेंच, मतलब आप ले सकते हो। और इन बेंचेस की मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ, आपको सिंपली यहाँ पर आके बैठ सकते हो, बट इफ़ यू आर गोइंग टू स्पेंड यू नो स्पेंड यू नो कपल ऑफ आवर्स हियर, तो ये एक्चुअली ये जो सामने रेस्टोरेंट होता है, हाय, ये जो सामने रेस्टोरेंट होता है उस रेस्टोरेंट के साथ में क्या होता है कि आपको यहाँ पर खाना वगैरह खाना। विजय सफारी, हाय विजय सफारी फैंस, सभी जो भी मतलब ऑलराइट। तो मैं आपको बता, ये जो सामने रेस्टोरेंट है आपको यहाँ से कुछ ना कुछ आपको खाना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पर बैठने के लिए जगह मिलेगी। मतलब बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई हज़ारों में खर्चा करो, लेकिन बस थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। और भाई जान तमिल, अयो इले नो तमिल, हिंदी और इंग्लिश? English, yeah. Oh, you are from Tamil Nadu? Yeah, from Chennai. Chennai? Yeah. Chennai? Okay, okay. Okay, from here because, okay, you have a good name, sir? Tamil. Good name. Yeah, your name is Tamil. Yeah. In my life, I have found very first person name with Tamil. Oh, wow. There is no one you will find a person with name Hindi. Yeah. Your good name, sir? Yogesh. कुमार, कोगी कुमार, कुमार, कोगी कुमार, कोगी कुमार, राजेश, राजेश कुमार, अंसारी, भास्कर, भास्कर, मुबारक, मुबारक, ओके जी, सबको वड़कम। This is the only word I know. Good name. My name is Vijay. Are you getting it, Vijay? Vijay. Actor, Tamil actor Vijay. Yeah, but Tamil actor, yes. Yes, yes. Vijay Telapathy. Vijay Telapathy. Ilai Telapathy. Same ditto, my face. Your face. So, yeah, I found a South Indian actor, Tamil actor. Vijay. Vijay. Ilai Telapathy. Vijay Ilai Telapathy. Yeah. Okay. So, thank you so much. Thank you. Who was the actor in Pushpa? Pushpa. Allu Arjun, yes. Yeah. Allu Arjun, koi nahi hai idhar. I am all Telugu. Telugu. okay, guys. Enjoy. Goa West? Yes. Not. Vadapalli, Chennai la vandhu beach la, same beach. Very nice. Up, did you visit all the beaches? Yeah. Yeah. Or this is the just beaches. Ella beaches west. எல்லா பீச்சஸ் சலோ 15,000 லாஸ்ட் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் சேயிங் பட் ஐ ரியலி யூ நோ இட் இஸ் நைஸ் டாக்கிங் டு யூ ஆல்ரைட் காய்ஸ் ஸோ இஸ் பிரகார் கே குச்சு லோக் ஆப்கோ மில் ஜாதே ஹேன் கேர் லெட் மீ கண்டினியூ வாட் அப் ஜோ மே போல் ரஹா தா தோ மே யே போல் ரஹா தா கே இஸ் பிரகார் கே ஜோ ஹே ஆப்கோ குச்சு லோக் ஜோ ஹே வோ ஆப்கோ மில் ஜாயேங்கே யஹான் பர் ஆப்கோ யே பெஞ்சஸ் மிலேங்கே ஆர் இன் பெஞ்சஸ் மே ஆப் யஹான் பர் பேத் கர் கியா கர் சக்தே ஹோ என்ஜாய் கர் சக்தே ஹோ। तो मेरी जो बात छूट गई थी वो ये थी कि आपको और भाजी क्या है तो, और आपको क्या करना है कि यू मस्ट हैव टू ऑर्डर समथिंग, डजंट मीन कि आपको कुछ ज़्यादा हाई फाई खर्च करने की ज़रूरत है, लाइक बियर और समथिंग वट एवर यू लाइक, एंड देन आप यहाँ पर ये बेंचेस जो हैं उन पे एंजॉय कर सकते हो। तो वो सामने जो रेस्टोरेंट है वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि कुछ और लोगों से बातें करते हैं। और भाई साहब कैसे हैं?
बढ़िया बढ़िया। कहाँ से भाई जी? हिमाचल से। हिमाचल कूद पे? धर्मशाला। धर्मशाला से? आप कहाँ से? तो आने पहाड़ी गला दस में कूदते हो ना? हाँ भाई दादा भी तो पूछा मैंने कहाँ से आया। बता दस्ता वाला कूद पे? ना धर्मशाला से नहीं है। तो हम हिमाचल से भाई? मंडी से हो जाते घर तुसी? ना 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 मंडी से नहीं है। मंडी से नहीं है। धर्मशाले कौन घर? धर्मशाला जाता जी। मेन धर्मशाला? मेन धर्मशाला। अच्छा तुसे तुसे धर्मशाले? मैं वैसे जम्मू से हूं। जम्मू से हो? हां लैंग्वेज मिक्स साथ साथ मतलब मिक्स। हाँ लेकिन सो मुझे कुछ लोग हिमाचल से मिले, उनसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, और स्पेशली जब मैं उनके साथ पहाड़ी में बात कर रहा था। हेलो छोटू, छोटू चला गया। ऑलराइट सो यहाँ से मैं थोड़ा सा रह गया था, तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। और जैसे मैंने आपको कहा कुछ ज़्यादा यहाँ पर लोग नहीं थे, तो ये सामने रेस्टोरेंट है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ना एक बार ऊपर रेस्टोरेंट भी दिखा देता हूँ जहाँ से आप कुछ ना कुछ ले सकते हो। लेट मी जस्ट गो अप देयर। हेलो हाउ आर यू सर? फाइन। आर यू ओके? फाइन। तो ये रेस्टोरेंट है जी हमारा, जो एक ही आप ही रेस्टोरेंट है, वेगेटर बीच में आप ही का रेस्टोरेंट है, एक ही है फिलहाल। वी विल कम एंड ईट। और ये जी रेस्टोरेंट है, मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे। और वी कैन जस्ट सिट आउटसाइड और बाहर बैठकर आप चाहे कि इनको ऑर्डर्स वगैरह दे सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। सो जस्ट वॉन्ट टू शो यू सर्विसेज दे हैव। तो ये रेस्टोरेंट है जो यहाँ पर बीच में है, और यहाँ पर आप इवन यू वांट टू सिट इनसाइड वहाँ पर बैठ सकते हो, अगर आप बाहर बैठना चाहते हो तो वहाँ भी बैठ सकते हो। तो ये जी नज़ारा पूरा आपका बीच का। ऑलराइट तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने मोस्टली जो है वो यहाँ का जो ब्लॉग है वो कवर कर ही लिया है, बट थोड़ा सा फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ का नज़ारा, क्योंकि जैसे जैसे शाम बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पर जो लोगों का जमावड़ा है, लोगों का जो आना जाना है वो बढ़ता चला जा रहा है। सो तो यहाँ पर जो कुछ सर्विसेज थी ना वो भी मैं आपको दिखाना चाहता था, यहाँ पर किस प्रकार की सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। हेलो कैन आई टेक अ स्मॉल क्लिप ऑफ व्हाट इज डूइंग? थैंक यू। हेलो स्माइल। ए अर्षा जानते हो जब आओ खरी थी तेरे से खूब तो लोग बहुत है नाटक का, पूजा तेरे को बुला रही है कि वो क्या बोला? मेरा एक ही रिक्वेस्ट था, सिर्फ बियर का ही बोला, दूसरा कुछ नहीं बोला। वो बोल रहे हैं वो सेट हो गया, वो क्या बोल रही है क्या? तो दीदी ये सर्विसेज देते हैं आप यहाँ पे? हाँ? ये सब बाल बनाने का? हाँ, ये सब बनाते हैं। और उसके अलावा क्या है आपके? इसके अलावा ज्वेलरी से? ओह अच्छा, हाँ हाँ ज्वेलरी, एंकलेट ब्रेसलेट भी है, फ्रेंच ब्रेडिंग भी बनाते हैं, डच ब्रेडिंग भी बनाते हैं। ओह अच्छा अच्छा, तो आप पूरा दिन यहीं पर होते हैं कि कुछ? पूरा दिन यहाँ पर। चलो अच्छा लगा। बेटा आपका नाम क्या है? पलक। प्रियंका। अच्छा अच्छा दीदी आप? श्वेता। थैंक यू। ओके सो दिस वर सम स्मॉल थिंग्स आई वांटेड टू शो यू ऑन द बीच, द सर्विसेज यू कैन गेट हियर। लाइक वो छोटी बच्ची जो थी वो कुछ फैशनिंग, आई मीन दैट लेडी वाज फैशनिंग हर हेयर विद समथिंग, तो मैंने चाहे शायद पूछे नहीं पूछे, मैंने पूछे नहीं पूछे, लेकिन चलो ये सब नज़ारा है जी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ओके गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गोवा की और भी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।